असलम व्यूअर्स, मैं हूं गतलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो जो कि पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है। होपफुली व्यूअर्स आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि पीटीआई की हुकूमत में जो प्रॉपर्टी थी और अब क्या चल रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा से पीटीआई आएगा और प्रॉपर्टी ऐसे ही दोबारा बूम पे आएगी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि आगे प्रॉपर्टी किस तरह से होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि पीटीआई की हुकूमत में रियल स्टेट का जो बिज़नेस है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा गया था, बहुत बड़ा एक बबल आया हुआ था और हर इंसान प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का ही बिज़नेस कर रहा था। और यहाँ पे जो कि कोई बिजनेसमैन था, चाहे कोई इंडस्ट्रियल बंदा था या कोई भी था, वो तमाम के तमाम लोग इंडिविजुअल लोग थे जो भी, उन्होंने सिर्फ रियल स्टेट को ही देखा। कोई बिज़नेस वगैरह डिफरेंट स्टार्ट नहीं किया लोगों ने, और सिर्फ रियल स्टेट और सिर्फ रियल स्टेट किया। लेकिन खान साहब ने एक रिलीफ भी दिया था जो कि टैक्स में, और उन लोगों से ये कहा था जिन लोगों के पास पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ से आया हुआ था, उनको कहा था आप आओ और अपना ब्लैक पैसा जो है वाइट करो, आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नैप से लोग बहुत डरते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर लोगों को एक और चीज़ मिल गई, लोगों ने धड़ाधड़ जो पैसा था इन्वेस्टर्स ने आके फेंक दिया प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर, उससे मजीद बबल क्रिएट हो गया और प्रॉपर्टी बहुत पीक पे चली गई। फिर कोविड के अंदर सारे तमाम बिजनेसेस भी बंद हुए थे और वो लोग भी जिन लोगों के पास अपना पैसा घर में पड़ा था, उन्होंने भी कहा फिलहाल प्रॉपर्टी में फेंकते, फिर बाद में निकाल के देखेंगे कोई बिजनेस करेंगे क्या करेंगे, अभी तो कमाने ना। तो हर तरह का जो बंदा था ना वो प्रॉपर्टी में आ गया, चाहे वो जॉब पर्सन था, कोई भी था, तो तमाम के तमाम लोग। बस हमारे पाकिस्तान में ना आपको प्रॉपर्टी के अलावा कोई बिजनेस नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, इससे हुआ क्या कि वो जो सारी चीज़ें 4 से 5 साल तकरीबन ये चीज़ें चली हैं, और एंड दी एंड जाके वो एक बबल जो था वो ठा करके फट गया इनके ऊपर। अच्छा, जब फट गया तो वो जो लोग एक लोग थे जो समझदार इन्वेस्टर थे, उन्होंने जल्दी से लगाया और जल्दी से वापस निकाल लिया। लेकिन कुछ लालची, मजीद लालची लोग थे, मैं यही कहूँगी, आप लोग बुरे मान जाते हैं लेकिन सच बात है, उन्होंने कहा कि नहीं अभी थोड़ा प्रॉफिट है और आएगा और आएगा, लोगों ने अंदर ही रखी रखा। और वो जब बबल फटा तो वो प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई और जो अब उनका जो रीसेल है वो बंद हो गई, तो लोगों को नुकसान भी हुआ। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अभी भी लोग एक खाम ख्याली में हैं कि एक बार अगेन जो है बूम आएगा, खान साहब वापस आएंगे और एक और बार बूम आएगा, इसलिए लोग ज़्यादातर पीटीआई भी कर रहे हैं, जो सच्ची बात है। और लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि खान साहब अपने वो क्या कहते हैं इतराफ़ जुर्म जो है वो कर चुके हैं, क्योंकि खान साहब ने कहा कि जो प्रॉपर्टी के अंदर मैंने रिलीफ और जो लोगों को कहा था आए और कमाएँ और चीज़ें करें, तो वो कह रहे हैं मेरी इंटेंशंस कुछ और थी लेकिन ये कुछ और हो गया, मतलब मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्योंकि वो चाह रहे थे बेसिकली उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफ़ी अच्छा थी, उनकी इंटेंशंस जो थी उनकी इंटेंशंस ये थी कि मैं प्रॉपर्टी में रिलीफ दूंगा, लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करेंगे और एंड यूज़र जो गरीब बंदा है, हर बंदा अपना घर बना सकेगा, अपना प्लॉट खरीद सकेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होगा, जो इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, लोग घर बनाएंगे तो डेफिनेटली ईंट, बजरी, रेत, गेट, ये लकड़ी का काम, हर चीज़, मतलब बहुत सारे। और जो गरीब आवाम है, जो लेबर वर्क, वो लोगों को बहुत बेरोज़गार लोग हैं उनको जॉब्स मिलेंगी, और फिर इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी, और इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो डेफिनेटली हुकूमत जो कि हमारी इकॉनमी में इजाफा होगा टैक्स के पैसे से, और जो हमारी पाकिस्तान भी ग्रो करेगा और तरक्की भी होगी कि इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी ग्रो कर रहा है। लेकिन उल्टा क्या हुआ, यहाँ पर इन्वेस्टर और डिमांड एंड सप्लाई को खाली मैनेज किया, इन्वेस्टर और डीलर और बस जो है वो लोग खेलते रहे, एंड यूज़र तो मुंह उठा के बैठा रहा, उसके तो उकास से बाहर हो गई प्रॉपर्टी बाय करना, तो घर कैसे बनता, घर ना बनता तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो करती। तो ये सारी जो प्रैक्टिस थी, खान साहब की इंटेंशन कुछ और थी और हुआ कुछ और। अच्छा, ये तो थी जो कि खान साहब की इंटेंशन और सारी चीज़ें, लेकिन अब नून लीग के टाइम में लोग देख रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शन होंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ये होगा तो बेहतर हो जाएंगी। तो अब मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, वो जो 5 साल जो बबल रहा है वो अब दोबारा कभी लाइफ में नहीं आने वाला, क्योंकि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं नून की हुकूमत जो है पीएमएल की बहुत टाइम आ चुकी है, उन्होंने आज से पहले कभी इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने रोडों और चीज़ें बहुत सारी काम किया है लैपटॉप्स देने पे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी रियल स्टेट में कोई ऐसा बूम वगैरह नहीं लाया, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी, ना ही जो है आपकी पीपल्स पार्टी ने या जितनी भी हमारी हुकूमतें गुजरी हैं उनमें से किसी ने भी ये चीज़ नहीं की, क्योंकि वो लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि इससे हुकूमत को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, हमारी इकॉनमी में कोई इजाफा होने नहीं वाला, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई फोकस नहीं किया था। तो खान साहब ने भी माजरत कर ली कि मुझसे गलती हो गई ये चीज़ करके, तो डेफिनेटली अगर पीटीआई की हुकूमत अगेन आती है तो तब भी ये चीज़ नहीं आने वाली। अब मैं ये यही कहूँगी लास्ट में
कि अगर अब चाहे जरदारी साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए या इमरान खान साहब आए, प्रॉपर्टी के जो भाई साहब मजे थे ना वो अब खत्म हो गए, अब ये दोबारा नहीं आने वाले। तो अब आप लोग प्लीज ब्राय मेहरबानी कुछ और सोचें। जो लोग आपको ये अब लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप वेट करें दोबारा एक बूम आएगा, हुकूमत इलेक्शन हो रहे हैं, ये वो जो आपको आजकल के डीलर हजरात जो आपको वो जो नए नए जो स्टेप्स बता रहे हैं कि ऐसे होने वाला है, ऐसे होगा ऐसे होगा, तो उन चीज़ों से निकल आएँ। हाँ, अगर आपको डेफिनेटली एंडर को बाय करना है या कुछ भी चीज़ करनी है तो वो जो चीज़ें ऑलरेडी प्रैक्टिस में आई हुई हैं, जो चीज़ें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उन सोसाइटीज़ में आप जो है देख के अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम और एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज ये जो आप प्रॉफिट वो आप सोच रहे हैं कि जिस तरह से आवाम पिछली आवाम प्रॉफिट 5 साल में लोगों ने कमाया तो आप दोबारा से ऐसे कमाएंगे, तो इस खुशफहमी से निकल आए। और जो कुरुत नैन ने कहा है कोई और बिजनेस में जाके देखें और कुछ और सोचें, तो वही सोचें। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने जो कॉमेंट सेक्शन है हमारा, इसमें आप आके अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि अब लोग क्या क्या बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, ताकि हमारा मुल्क दोबारा से तरक्की करे। बहुत ज़्यादा हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट में आ गए, मुल्क नहीं डिफॉल्ट में आया, हम खुद ही डिफॉल्ट हुए हुए बस एक ही बिजनेस में छलांग लगा के, जो कि प्रॉपर्टी का था। तो इजाज़त दें, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।